Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the deadlock. This is the another topic from unit number 4. Learning outcome: after completion of this lecture we will able to understand the concept of deadlock. Deadlock kya hota hai, operating system mein deadlock kyun generate hota hai aur uske reasons kya rehte hain aur usko hum control kis tarike se kar sakte hain, ye sari cheeze aaj ke lecture mein hum discuss karenge. So today's lecture prerequisite is डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो आज के लेक्चर के लिए हमारा रहेगा प्रीरिक्विजाइट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली डेडलॉक? इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट सेवरल प्रोसेसेस मे कम्पीट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेस. अ प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स. इफ द रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम द प्रोसेस एंटर्स अ वेटिंग स्टेट. जैसा कि हमको पता है कि आज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. That means more than one program execute simultaneously, and this is the logical extension of multitasking also. That means multi-programming is a logical extension of multitasking. That means what? In a multitasking, more than one task executed simultaneously. So, जब एक से ज़्यादा processes या फिर tasks execute होती है simultaneously, तो यहाँ पे number of processes at the same time किसी same resource के लिए request कर सकती है. और जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और वो रिसोर्स अगर उस टाइम पे बिजी होगा किसी दूसरे प्रोसेस के साथ में, तो जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया था वो प्रोसेस जाएगी वेटिंग स्टेट में. सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सम टाइम अ वेटिंग प्रोसेस नेवर अगेन एबल टू चेंज द स्टेट बिकॉज द रिसोर्सेज इट हैज रिक्वेस्टेड आर हेल्ड बाय द अनदर वेटिंग प्रोसेस. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक. दैट मीन्स एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया था किसी रिसोर्स के लिए, बट वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के साथ में बिजी था, इसलिए जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया था वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गई. बट होना क्या चाहिए था? जब भी वो रिसोर्स फ्री होगा वैसे ही जो प्रोसेस ने पहले रिक्वेस्ट किया था उस प्रोसेस को रिसोर्स अलॉट होना चाहिए था. बट यहाँ पे क्या हुआ कि कोई दूसरी प्रोसेस आके उस रिसोर्स को अलॉट हो गई. सो इस वजह से क्या हुआ कि जिस प्रोसेस ने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था वो प्रोसेस अभी भी वेटिंग स्टेट में है और वो हमेशा वेटिंग स्टेट में ही रहेगी या फिर वेटिंग स्टेट में जा सकती है. सो अगर कोई प्रोसेस मैक्सिमम टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में रहेगी तो वो अनेबल रहेगी टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वेटिंग टू रेडी. और अगर वो अनेबल है फॉर चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, सो ऐसी प्रोसेस जो जाएगी उसको हम बोलेंगे डेडलॉक. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक. सो जो अभी हमने ये दो पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है थ्रू द डायग्राम, हम इसको समझते हैं सही तरीके से. हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ डेडलॉक जो हमको डेडलॉक का कंसेप्ट क्लियर कराएगी. देर आर टू रिसोर्सेस, रिसोर्स वन एंड रिसोर्स टू, एंड देर आर टू प्रोसेस, प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू. सो यहाँ पे क्या हुआ कि रिसोर्स वन इज अलोकेटेड टू द प्रोसेस वन. रिसोर्स वन इज अलोकेटेड टू द प्रोसेस वन. आप डायग्राम में देख सकते हो रिसोर्स वन असाइन टू प्रोसेस वन. After executing resource one, after executing process one with resource one, process one ने request किया हुआ resource two को, process one ने request किया हुआ किसको? Resource two को, but already resource two is allocated to process two. So यहाँ पे process one किस में जाएगी? Waiting state में. So आप देखोगे diagram में कि process one waiting for the resource what? Resource two. Same thing कि process two के पास में resource two था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया हुआ रिसोर्स वन को, बट रिसोर्स वन किसके साथ में बिजी है? प्रोसेस वन के साथ में. सो प्रोसेस टू इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स वन. सो जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये आपको कंप्लीट डेडलॉक बता रहा है. व्हाई? बिकॉज प्रोसेस वन के पास में जब रिसोर्स वन है तो यहाँ पे प्रोसेस वन ने रिसोर्स वन को यूज करने के बाद में उसको रिलीज नहीं किया हुआ है, उसको अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू द रिसोर्स टू. बट रिसोर्स टू इज बिजी विद द प्रोसेस टू, इसलिए वो वेटिंग स्टेट में गया प्रोसेस वन. और प्रोसेस टू ने भी वैसा ही किया हुआ कि उसके पास में रिसोर्स टू था, बट उसने विदाउट रिलीजिंग रिसोर्स टू रिक्वेस्ट किया रिसोर्स वन को, बट द रिसोर्स वन इज विद प्रोसेस वन. दैट्स व्हाई प्रोसेस टू इज अगेन वेटिंग फॉर द रिसोर्स वन. सो यहाँ पे दोनों प्रोसेस के पास में ऑलरेडी एक एक रिसोर्स था, बट विदाउट रिलीजिंग दिस रिसोर्सेस उन्होंने सेकंड रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकती है,
दैट मीन्स वॉट कि अगर कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा रही है, कोई प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में जाती है, सो आप अगर वो बहुत टाइम तक के अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाए तो वो प्रोसेस चली जाती है कहाँ पे, डेडलॉग में। और इस एग्जांपल में वही हो रहा है कि जब तक के प्रोसेस वन रिसोर्स वन को रिलीज नहीं करेगा तब तक के प्रोसेस टू रिसोर्स वन को यूज नहीं कर सकता है, और प्रोसेस वन को चाहिए था रिसोर्स टू, बट जब तक के प्रोसेस टू रिलीज नहीं करेगा रिसोर्स टू को, तो यहाँ पे प्रोसेस वन तब तक के वेट करेगा रिसोर्स टू के लिए। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉग। नाउ सिस्टम मॉडल, अभी डेडलॉक का सिस्टम मॉडल क्या रहेगा, किस तरीके से हम डेडलॉक को रोक सकते हैं, या फिर डेडलॉक का एक पर्टिकुलर सिस्टम मॉडल क्या रहेगा। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस। सिस्टम में फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमोंग द नंबर ऑफ कंप्यूट प्रोसेसेस। दैट मीन्स देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन अ सिस्टम, और उसके साथ में नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी सिस्टम में होते हैं जो अवेलेबल रहते हैं टू द प्रोसेसेस। मेमोरी स्पेस, सीपीयू साइकिल, फाइल एंड आईओ डिवाइसेस आर द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स। इफ द सिस्टम हैज अ टू सीपीयू देन द रिसोर्स टाइप ऑफ सीपीयू हैज द टू इंस्टेंसेस। अगर रिसोर्सेस में हमारा सीपीयू भी आता है, तो अगर हमारे सिस्टम में दो सीपीयू होंगे तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस का इंस्टेंस रहेगा सीपीयू का वो रहेगा हमारे पास में टू। सिमिलर द रिसोर्स टाइप ऑफ प्रिंटर हैज 10 इंस्टेंसेस। अगर हमारे सिस्टम में हमने 10 प्रिंटर्स को अटैच करके रखा हुआ तो इंस्टेंसेस कितने होंगे, 10। टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर यूज बाय द सिस्टम। अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम में दो टाइप के रिसोर्सेस हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। अभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जनरेट होता है कि सिस्टम में डेडलॉक क्यों होता है। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि डेडलॉक से हमको बचना कैसे, कौन सी कंडीशंस रहती है, उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। बट यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि डेडलॉक क्यों जनरेट होता है। सो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ये रिसोर्सेस के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स और सेकेंड होता है नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे बताएं, डिस्कस करेंगे कि अगर आज से हम 15-20 साल पहले की अगर सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे डेडलॉक जो है बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा था। आज हमने डेडलॉक को रिड्यूस करके रख दिया हुआ है, दैट मींस आज हमने डेडलॉक को 90% रिड्यूस करके रख दिया या फिर उससे ज्यादा भी रिड्यूस करके रख दिया है, लेकिन हम डेडलॉक को कंप्लीटली नहीं रोक पाए। व्हाई, रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब तक के सिस्टम में नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेस रहेंगे, आई अगेन रिपीट, जब तक के सिस्टम में नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेस रहेंगे जिसको मैं बोलूंगा नॉन शेयरेबल रिसोर्स, आई अगेन रिपीट कि नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स मींस व्हाट, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस जब तक के सिस्टम में रहेंगे तब तक के डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस रहेंगे। बट सिस्टम में प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यूज बाय द सिस्टम, फर्स्ट वन इज प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन प्रीएम्प्टेबल। तो हम नॉन प्रीएम्प्टेबल को नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। इट मे बी पॉसिबल टू अ टेम्पररी टेक अ रिसोर्स अवे फ्रॉम इट्स करंट ओनर एंड गिव इट टू द अनदर प्रोसेस, सच रिसोर्स इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेस, preemptible process. That means what? कि preemptible is a shareable resource. इसमें क्या होता है कि अगर कोई process इस resource को preemptible resource को use कर रहा है और कोई दूसरी process को अगर उस resource की जरूरत है तो हम temporary उस process से उस resource को लेकर दूसरी process को allot कर सकते हैं। That means at the same time same resource को एक से ज़्यादा process use कर सकते हैं, और memory is an best example of preemptible resource. Second one is non-preemptible resource. This type of resource cannot be taken away from its current owner so that computation will not fail. Example, while burning a CD-ROM, if the CD-ROM recorder is taken away from it, they may crash the CD. अभी non-preemptible का best example क्या रहेगा? CD-ROM. अगर आप CD-ROM में किसी एक CD को write कर रहे हो और during that process अगर आप उस CD-ROM को किसी दूसरे process के लिए allot करते हो, दूसरे CD को write अगर आप करने के लिए जाते हो, तो क्या होगा कि करंटली जो एग्जीक्यूशन में प्रोसेस थी, जो सीडी राइट हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, क्रैश। ओके, अभी अगर हम डेडलॉक को ये दोनों रिसोर्सेस के साथ में कंपेयर करते हैं,
तो प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स दैट मीन शेयरेबल रिसोर्स, तो यहाँ पे डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। प्रीवियस स्लाइड में जो हमने डायग्राम देखी थी वो रिसोर्सेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल थे इसलिए वहां पर कंप्लीट डेडलॉक दिख रहा था। बट अगर वो शेयरेबल रिसोर्स होते जिसको मैं प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स बोलता हूँ, सो वहां पर डेडलॉक क्रिएट नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में जाती है और बोर्ड टाइम तक की अगर वेटिंग स्टेट में रहती है तो वो डेडलॉक में जा सकती है प्रोसेस, और प्रोसेस वेट कब करेगी, जब रिसोर्सेस हमारे नॉन प्रीएम्प्टेबल रहेंगे, दैट मींस नॉन शेयरेबल रहेंगे। भी मेमोरी को यूज करने के लिए प्रोसेसेस को वेट करने की जरूरत नहीं, व्हाई, बिकॉज मेमोरी इज अ प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स, इसलिए प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएगी नहीं। बट अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स की बात करूं, सीडी रॉम, दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स, तो यहाँ पे एक प्रोसेस अगर बिजी है सीडी रॉम के साथ में, तो सेकंड प्रोसेस वेट कर रही है, जब तक के फर्स्ट प्रोसेस सीडी रॉम को फ्री नहीं कर लेगी तब तक के हमारी सेकंड प्रोसेस वहां पे अलॉट नहीं हो सकती है। बट जैसे ही प्रोसेस वन ने सीडी रॉम को फ्री कर दिया तो जाना चाहिए था प्रोसेस टू ने, बट कोई एक दूसरी प्रोसेस आके अगर सीडी रॉम के पास में चली गई तो अभी भी हमारा प्रोसेस जो पी टू था वो वेटिंग स्टेट में, और वो वेटिंग स्टेट में रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और अगर वो ज्यादा टाइम तक के वेटिंग स्टेट में रहा तो वो डेडलॉक में जा सकता है। सो अगेन रिपीट, अगर हमारे जब तक के हमारे सिस्टम में नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस रहेंगे तब तक के डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस रहेंगे। आज हमने डेडलॉक को रिड्यूस कर दिया है बट हम उसको एंड नहीं कर पाए। सो दिस इज द सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल में और एक पॉइंट हमको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, प्रोसेस में यूज अ रिसोर्स इन ओनली द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अभी हमने यहाँ पे डेडलॉक को रिड्यूस कर दिया, हमने एंड नहीं कर दिया है, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे ऐड करते गए हुए, और यहाँ पे अगर हमको डेडलॉक को रिड्यूस करना था तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के रख दिया कि कब अगर किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स को यूज करना है तो उसको ये सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो सीक्वेंस क्या रहेगा, सो व्हेन एवर द प्रोसेस रिक्वायर द सम रिसोर्स, तो फर्स्ट सीक्वेंस में क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट रिक्वेस्ट, प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स, इफ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल इफ द रिसोर्स इज बीइंग यूज्ड बाय द अनदर प्रोसेस देन द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल इट कैन एक्वायर द रिसोर्स। अगर किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने के तुरंत बाद अगर वो ग्रांट नहीं हो रही है दैट मीन्स वो रिसोर्स जो है किसी दूसरे प्रोसेस के साथ में बिजी है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक के वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन द सीक्वेंस। सेकंड वन, अगर रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है तो आप उसको यूज करो, द प्रोसेस कैन ऑपरेट एंड ऑपरेट ऑन द रिसोर्स, एग्जांपल इफ द रिसोर्स आर प्रिंटर द प्रोसेस कैन प्रिंट ऑन द प्रिंटर। रिक्वेस्ट करो, उसको यूज करो, और जस्ट आफ्टर यूज द रिसोर्स, आपका काम होने के बाद में उसको आप क्या कर दो, रिलीज, द प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्स। सो दीज आर द रिक्वेस्टिंग सीक्वेंसेस, रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज। सो डेडलॉक को हम यहाँ पे डेडलॉक के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट तरीका रहेगा डेडलॉक को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सिस्टम में नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस रहने वाले और हम यहाँ पे डेडलॉक को रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके लिए हमको बेस्ट टेक्निक ये रहेगी कि हमको इस सीक्वेंस को यूज करना पड़ेगा फॉर एक्सेसिंग द रिसोर्सेस। एंड सेम थिंग कि अगर आपको किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना है सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास में कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। मीन्स कि अगर किसी प्रोसेस को, प्रोसेस वन को रिसोर्स टू की जरूरत है तो यहाँ पे उसने सबसे पहले रिसोर्स वन को रिलीज करना चाहिए, तभी जाके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्स टू देगा। अगेन रिपीट, प्रोसेस वन के पास में ऑलरेडी रिसोर्स वन था, अभी रिसोर्स वन के साथ में उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, अभी वो रिसोर्स टू को अगर रिक्वेस्ट कर रहा है सो बिफोर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस वन फॉर रिसोर्स टू, प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये चेक करने को होना यहाँ पे कि उसके पास में, प्रोसेस वन के पास में जो रिसोर्स वन था वो रिलीज हो चुका है। विदाउट रिलीजिंग द प्रीवियस रिसोर्स, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नेक्स्ट रिसोर्स को अलॉट नहीं करेगी तो यहाँ पे डेडलॉक होने के चांसेस कम रहेंगे, और यही टेक्निक आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने अडॉप्ट की हुई है। सो दिस इज द सीक्वेंसेस इन अ सिस्टम मॉडल। नाउ क्या कंडीशंस होती है जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट होता है, सो नेसेसरी कंडीशन लीडिंग टू डेडलॉक।
A deadlock consists of a set of block processes, each holding a resource and waiting to acquire the resource held by the another process in a set. जैसे कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया हुआ है कि एक प्रोसेस डेडलॉक क्या होता है कि सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस मींस व्हाट कि ऑलरेडी एक प्रोसेस के पास में एक रिसोर्स है और वो प्रोसेस सेकंड रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस के पास में प्रोसेस के साथ में बिजी जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया. तो ये जो सिचुएशन रहेगी इसको हम बोलते हैं डेडलॉक. अ डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम. अभी डेडलॉक सिचुएशन कब अराइज हो सकती है, जब नीचे में दी हुई चार कंडीशन साइमल्टेनियसली हमारे सिस्टम में जनरेट हो रही है तब डेडलॉक जनरेट हो सकता है. सो दीज आर द फोर कंडीशन. फर्स्ट वन म्यूचुअल एक्सक्लूजन. व्हाट इज एग्जैक्टली म्यूचुअल एक्सक्लूजन? एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड. दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज द रिसोर्स. इफ द अनदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट बी डिलेड अंटिल द रिसोर्स हैज बीन रिलीज. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटलीस्ट एक रिसोर्स हमारा किस में रहेगा, नॉन शेयरेबल मोड में. मींस व्हाट कि एक प्रोसेस एट अ टाइम उस रिसोर्स को यूज कर सकती है. अगर यहाँ पे कोई दूसरी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है उस रिसोर्स के लिए तो जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है जो सेकंड प्रोसेस रहेगी जिसने रिक्वेस्ट किया हुआ उस रिसोर्स के लिए वो उसमें क्या होगा, डिले होगा. कब तक के? अंटिल द रिसोर्सेस हैज बीन रिलीज, जब तक के पहली प्रोसेस उसको रिलीज नहीं करेगी. अगर यहाँ पे ये सिचुएशन कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी एक प्रोसेस के पास में एक रिसोर्स था और कोई दूसरी प्रोसेस आके उसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है बट वो प्रोसेस जो है वो रिसोर्स जो है वो दूसरे फर्स्ट प्रोसेस के साथ में बिजी है तो इसके वजह से सेकंड प्रोसेस को किस क्या हो रहा है, डिले हो रहा है. डिले हो रहा है मीन्स वॉट कि सेकंड प्रोसेस वेटिंग स्टेट में और वेटिंग स्टेट में अगर वो है ज़्यादा टाइम तक के तो वो डेडलॉक में जा सकती है. अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपके सिस्टम में ज़्यादा हो रहा है तो डेडलॉक जनरेट होने के चांसेस आपके सिस्टम में ज़्यादा होगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट. अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर द एडिशनल रिसोर्स दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस. होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या होगी जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ कि वन प्रोसेस ऑलरेडी हैविंग अ वन रिसोर्स एंड इट रिक्वेस्ट फॉर द अनादर रिसोर्स विदाउट रिलीजिंग द फर्स्ट रिसोर्स. अगेन रिपीट, एक प्रोसेस के साथ में पास में एक रिसोर्स ऑलरेडी है और विदाउट रिलीजिंग द प्रीवियस रिसोर्स वो सेकंड रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट. अगर यहाँ पे प्रोसेसेस नंबर ऑफ टाइम होल्ड एंड वेट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, होल्ड एंड वेट कंडीशन आपके सिस्टम में जनरेट हो रही है तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक ऑकर हो जाए जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया था कि विदाउट रिलीजिंग रिसोर्स वन प्रोसेस वन रिसोर्स टू के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हुआ था. थर्ड कंडीशन इज नो प्रीएम्प्शन. नो प्रीएम्प्शन मींस व्हाट? रिसोर्सेस कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड. दैट इज द रिसोर्सेस कैन बी रिलीज ओनली वॉलेंटरी बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क. अभी नो प्रीएम्प्शन मतलब क्या होगा? नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स, दैट मीन्स जिसको बोलते हैं नॉन शेयरेबल रिसोर्स. तो इसमें क्या होगा कि रिसोर्सेस कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड. रिसोर्सेस कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड मतलब क्या? रिसोर्सेस हमारे अगर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस अगर हमारे शेयरेबल मोड में नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होता है. कि कौन सा प्रॉब्लम? कि अगर हमारे रिसोर्सेस शेयरेबल मोड में नहीं है तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर सकती है और अगर कोई दूसरी प्रोसेस को वो रिसोर्स लग रहा है तो उसको वेटिंग स्टेट में जाना पड़ रहा है और वेटिंग स्टेट में अगर वो जा रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में कि वो प्रोसेस अपना स्टेट जो है वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट में कन्वर्ट ना कर पाए और अगर ऐसा हुआ तो वो प्रोसेस डेडलॉक में जा सकती है. इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है थर्ड कंडीशन कौन सा? नो प्रीएम्प्शन. कि अगर आपके सिस्टम में नो प्रीएम्प्शन अगर हो रहा है तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट हो जाए. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर वेट. अ सेट ऑफ P0, P1, PN, these are the process of waiting process must exist such that P0 is waiting for the resource held by P1, P1 is waiting for the resource held by P2, up to PN-1 is waiting for the resource held by PN and PN is waiting for the resource held by P0. This is the circular wait. That means
कि एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, P2 वेट कर रहा है R2 के लिए, P3 वेट कर रहा है R3 के लिए और P4 वेट कर रहा है R1 के लिए। सो अगर हम इस तरीके से समझे सो ये होगा सर्कुलर वेट, मतलब प्रीवियस प्रोसेस इज ऑलरेडी हैविंग द रिसोर्स वन रिसोर्स एंड इट रिक्वेस्ट फॉर द अनदर रिसोर्स एंड अनदर रिसोर्स इज हेल्ड बाय द अनदर प्रोसेस। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। सो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रोसेस के पास में ऑलरेडी एक रिसोर्स है बट वो रिक्वेस्ट कर रहा है कोई दूसरे प्रोसेस रिसोर्स के लिए, और वो जो रिसोर्स है ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस के पास में और वो प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। जो डायग्राम हमने फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे देखा हुआ है दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सर्कुलर वेट, कि P1 वेट कर रहा था रिसोर्स 2 के लिए और P1 के पास में ऑलरेडी रिसोर्स 1 था और P2 के पास में ऑलरेडी रिसोर्स 2 था लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा था रिसोर्स 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी एक प्रोसेस के पास में एक रिसोर्स था बट विदाउट रिलीजिंग द प्रीवियस रिसोर्स वो रिक्वेस्ट कर रहा था न्यू वन के लिए। और सो दीज आर द सम एमएसबीटी क्वेश्चन ऑन द टुडेज लेक्चर टॉपिक। फर्स्ट वन, डिफाइन डेडलॉक। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज डेडलॉक। एक्सप्लेन द डेडलॉक सिस्टम मॉडल, जहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि सिस्टम मॉडल क्या होता है डेडलॉक का। एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन लीडिंग टू डेडलॉक। सो क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन नंबर 1 आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। समरी ऑफ लर्निंग इन टूडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द डेडलॉक। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डेडलॉक क्या होता है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होता है जो लीड करता है फॉर जनरेटिंग द डेडलॉक इन अ सिस्टम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। अभी हमने आज के लेक्चर में देखा हुआ कि कौन से कंडीशन कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम में जनरेट होती है जिसकी वजह से डेडलॉक आ सकता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या होगी, कि अगर हमको डेडलॉक होने से बचाना है सिस्टम में तो उसके लिए टेक्निक्स क्या रहेगी जिसको हम बोलेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स। तो वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।